क्या बिग बॉस सीजन 16 में विलन बनकर एंट्री लेने वाले हैं करण कुंद्रा? क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई? चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूल्स। मैं हूं ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है, अब ये क्या का जो क्वेश्चन है ये खुद बिग बॉस के एक प्रोमो से आ रहा है। जी हाँ, और विलेन का जो सवाल है वो भी बिग बॉस के ही प्रोमो से आ रहा है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि करण कुंद्रा जब एक जेलर के तौर पर, यू नो, हिटलर जेलर, हालांकि वो जेलर काफी हॉट हैपनिंग सा था, बट जब जेलर के रूप में करण कुंद्रा लॉकअप में एंट्री लेते थे तो व्यूज चले जाते थे 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन, मतलब 100 मिलियन के नीचे तो बात ही नहीं होती थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जो मेकर्स हैं बिग बॉस के, वो शायद लॉकअप के थीम को थोड़ा सा अपनी तरफ लेना चाहते हैं, लेकिन यहां पर जेलर नहीं होगा, यहां पर विलन होगा, और तीन विलन होंगे। अब ये तीन विलन में से क्या जो मेजर विलन होने वाला है, यानी कि एक होगा गब्बर, एक होगा सांबा बोलने वाली थी, एक होगा गब्बर और एक होगा मोगैम्बो, और बीच में शायद होंगे गब्बर और मोगैम्बो का भी एक सुपीरियर विलन। तो ये हो सकता है कि ये जो थीम है, जैसा मैंने कहा आपको कि कि क्योंकि करण जेलर बनकर जब जाते थे तो वाकई में मतलब सॉलिड लेवल व्यूअरशिप आती थी, तो हो सकता है बिग बॉस के मेकर्स करण कुंद्रा को इस सीजन का विलेन बनाकर लेकर जाएंगे, और विलेन यानी कि उनकी जो ड्यूटी होगी करण कुंद्रा की, वो होगी घर के जो 16, 17, 18 कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं, जो भी कंटेस्टेंट्स होंगे, उनकी लाइफ को टफ बनाना और उनकी लाइफ को मुश्किल बनाना और उनकी लाइफ में सारे हर्डल्स ऐड करना, क्योंकि यही तो काम है। तभी तो कंटेंट आएगा, तभी तो मस्ती आएगी, और तभी तो आपको कुछ कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि बिग बॉस में टास्क भी आजकल काफ़ी सिमिलर होने लग गए हैं, तो बिल्कुल ये डिफरेंट पेस बनाने के लिए आपको एकदम डिफरेंट कुछ करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा, जब देखिए जो भी सीजन होता है उस सीजन में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो भी सक्सेसफुल कंटेस्टेंट्स होते हैं उस पर्टिकुलर सीजन के, उन सभी को अगले सीजन में एज अ गेस्ट बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि सीजन लोग उन्हें देखना चाहते हैं। सिद्धार्थ और शहनाज को बार बार ओटीटी पर बुलाया गया, फिर उसके बाद सिद्धार्थ और शहनाज को कितनी बार सीजन 14 में सिद्धार्थ शुक्ला को बुलाया गया, शहनाज भी एज अ गेस्ट आई थी अपने प्रमोशंस के लिए, और सिद्धार्थ को तो एक पूरा वीकेंड एपिसोड ही होस्ट करने को दे दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनकी फैंडम उतनी थी। तो अब वही सेम चीज़ करण और तेजस्वी पर भी लागू होती है। पिछले सीजन के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स के रूप में करण और तेजस्वी उभर कर सामने आए हैं, तो जाहिर सी बात है इस सीजन में मेकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी और करण के स्टारडम का वो भी बेनिफिट उठाएं, और तेजस्वी करण को अगर साथ में लेकर आ गए एज विलन, कहते ना जेलर और उनकी मिसेस साथ में अगर आ जाए तो बड़ा मजा आएगा, तो वैसा ही कुछ शायद अगर यहां पे हो जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो बिग बॉस की जो विलन कॉन्सेप्ट है उसमें क्या आपको लगता है कि बिग बॉस करण कुंद्रा को एज विलन लेकर आएंगे? अगर हाँ तो बताइएगा जरूर।